हाँ सर, मैं जानना चाहूँगा, सबसे पहले आप लोग अपने नाम के साथ अपना परिचय दें। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ विनोद सर, आप अपना इंट्रोड्यूस दें पूरी नाम के साथ। हाँ, मेरा नाम विनोद गुर्जर है, मैं मध्य प्रदेश से हूँ और यहाँ बम्बई में रहता हूँ। और मैं एक मूवी बना चुका हूँ और मेरी दूसरी मूवी है प्यार को सलाम, जल्द ही उसकी शूटिंग स्टार्ट होने वाली है। इसके लिए हम आज जूम स्टूडियो पर मुंबई में महाड़ा में फोटोशूट के लिए आए थे, पोस्टर के लिए, ठीक है। और हमको मुझे अच्छा लग रहा है कि मूवी अच्छी अच्छा काम हो रहा है, मेरे आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे हैं। तो आप अपने स्टार कास्ट का परिचय कराएं। स्टार कास्ट मेरे एक तो योगेश है, अच्छा, और छोटे जी हैं, और क्या नाम है उनका, रमेश गोयल है, मुश्ताक खान है, मार्केट के हैं वो लोग, और भी कई आर्टिस्ट हैं जो मतलब सब लोग मार्केट पे ही आर्टिस्ट काम कर रहे हैं। एक्चुअली ये इमोशनल फिल्म है या कॉमेडी फिल्म है? नहीं, ये एक थोड़ी इमोशनल मूवी है, अच्छा। और एक लव प्यार को लेकर है, क्योंकि आजकल प्यार मोहब्बत पर क्या है, आजकल मैंने देखा है बॉलीवुड में या तो सेक्सी फिल्में बनती है या कॉमेडी फिल्में बनती है, लेकिन आजकल क्या कोई इमोशनल फिल्म प्यार के ऊपर नहीं बनी है, कई दिनों से देखता आ रहा हूँ मैं। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ हटकर दिखाया जाए पब्लिक को, कि कुछ ऐसा लगे कि हाँ कुछ मार्केट में नया आया है, अच्छा। है ना, तो मैं वो दिखाना चाहता हूँ। तो जैसे कि आपके लिए ये पब्लिक फिल्म देखने क्यों जाए, ऐसा क्या मैसेज है जो आपकी फिल्म देखने के लिए जाए? पब्लिक देखने के लिए इसलिए जाएगी क्योंकि एक तो इसमें क्या है कि पुनर्जन्म की कहानी है, अच्छा। क्योंकि क्या है कि जैसे पहले करण अर्जुन आई थी और फिर उसके बाद बाहुबली आई और कोई मिल गया है, मतलब पुनर्जन्म की कहानियों पर जितनी भी फिल्में आज तक बनी है सारी सुपर हिट गई हैं। तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी कुछ ऐसा हट करके दिखाऊँ अपना, है ना, तो इसलिए मैंने इसमें पुनर्जन्म की कहानी ली है, तो कुछ हटकर है वो। इस फिल्म का नाम क्या रखा आपने? इस फिल्म का नाम है प्यार को सलाम। प्यार को सलाम, ये कब तक के फ्लोर पे जाएगी? ये लगभग शायद वैसे तो कोशिश तो हमारी 18 के लास्ट तक है, लेकिन हो सकता है 19 तक गाड़ी खींच सकती है, क्योंकि बड़ी फिल्म बनाने को टाइम तो लगता है। ऐसा तो है नहीं कि हम जल्दबाजी में अभी कोई शादी की वीडियो कैसेट बना नहीं रहे जो जल्द से जल्द शूट किया और उसको रिलीज कर दिया। तो बड़ी फिल्म को बनाने में टाइम भी लगता है। आज आमिर खान है, उनको भी 3-3 साल लग जाते हैं एक फिल्म बनाने में, तो हम तो खैर आमिर खान से छोटे ही हैं ये समझ लो या कुछ भी समझ लो, और मैं फ़ैन हूँ, ऐसी बात नहीं, आमिर खान का भी फ़ैन हूँ, अक्षय कुमार का भी फ़ैन हूँ, तो उनको वो मेरे आदर्श है, तो उन लोगों को देखकर ही मैं अपने टैलेंट को थोड़ा बाहर लाने की कोशिश कर रहा हूँ। सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप इस फिल्म में क्या कर रहे हैं, आपका लुक काफ़ी डैशिंग लग रहा है। जी, मैं विनोद जी की आने वाली फिल्म प्यार को सलाम में एक खलनायक की भूमिका में आपको देखूंगा, इसलिए मेरा ये जो लुक आपको दिख रहा है ये थोड़ा डेंजर दिख रहा है, खलनायक के हिसाब से मेरा ये लुक बनाया गया है। अच्छा, विनोद जी की पहली फिल्म प्यास की हमको बताओ में भी मेरा हनुमंत ठाकुर का बहुत ही ज़बरदस्त रोल था, और उसी से प्रेरित होकर विनोद जी ने मुझे इस फिल्म में दोबारा से अवसर दिया। मैं 98 से लगभग 20 साल से इस क्षेत्र में सक्रिय हूँ, और विनोद जी की हर फिल्म में मेरी कोशिश होगी कि मैं काम करता रहूँ। आपने इस कैरेक्टर के लिए कुछ नया प्रिपरेशन किया है? आप हमेशा अगर विलन करते तो इसमें किस तरह से आप विलन की भूमिका में नज़र आएंगे? नहीं, मैंने हमेशा से विलन नहीं किया। अच्छा, कुछ फिल्मों में मैंने जैसे DFO का किरदार किया एक फिल्म में मैंने, है ना, एक फिल्म में मैंने पुलिस इंस्पेक्टर का भी किरदार किया है, तो तरह तरह के रोल मैंने अलग अलग मूवी में किए हैं, और विलेन का जो किरदार है वो मैं पहली बार जो है इस फिल्म में प्यार को सलाम में कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू सर। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप इस फिल्म में क्या कर रहे हैं और कौन सी भूमिका निभा रहे हैं? सर, मेरा नाम योगेश उपाध्याय है, वैसे तो बेसिकली मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ जी, बट अभी मुंबई सेटल हूँ, और इस प्यार को सलाम में मेरा मेन किरदार का रोल है हीरो का, जो मैं विनोद जी की पिक्चर में कर रहा हूँ। और विशाल जी भी है अभी जो दिल्ली से नहीं आए हैं, योगेश का और पुनर्जन्म का रोल विशाल शर्मा कर रहे हैं जो दिल्ली से, सोनीपत से, हरियाणा से, तो वो अभी क्या किसी मतलब बारिश के कारण या कुछ भी समझ लो, इसलिए वो अभी आ नहीं पाए। आपने अपने कैरेक्टर को लेके कितनी मेहनत की, जैसे आप हीरो हैं इस फिल्म के? सर, मेहनत तो जितनी मैं कर सकता था उतनी की, लेकिन उससे ज़्यादा मेहनत विनोद जी ने करवाई है, तो इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है कि जरा सा भी कहीं कोई फॉल्ट निकाल सके, तो उसके लिए तो बहुत मेहनत की है हम लोगों ने। सुबह 4-4 बजे उठाते हैं,
और बहुत सारे काम ऐसे करवाते हैं जो मैं बतवा भी नहीं सकता हूँ अभी आपको कि कितनी मेहनत करवाई है। ये अनुराग है दिल्ली से। ये आप क्या कर रहे हैं इस फिल्म में और कौन सा कैरेक्टर निभा रहे हैं? मैं दिल्ली से हूँ और इस वाली फिल्म प्यारे सलाम में विनोद जी की फिल्म में योगेश उपाध्याय जी के दोस्त का किरदार निभा रहा हूँ, पुलिस फ्रेंड का। अच्छा, ये कैरेक्टर चार्मिंग है या नर्वस टाइप का है? नहीं, मतलब दोस्त का कैरेक्टर है, जैसे दोस्त होते हैं हंसी मजाक। अच्छा अच्छा। और आपका इससे पहले कोई काम? जी हाँ, मैंने इससे पहले कई काम करे हैं, मतलब और मार्केट में वो आएंगे। अच्छा, थैंक यू, थैंक यू सर। आखिरी बार चलते वक्त अभी अनीता इसरानी जी से भी हमारा कॉन्टेक्ट हुआ है, मीटिंग हो चुकी है मेरी और उन्होंने हाँ भी कर दिया है। और जो वास्तव मूवी में जो डेट फ्रिया का वक्त था, नाम दे दिया मेरे व्हाट्सएप पर है, तो उन्होंने उनसे भी मेरी मीटिंग हो चुकी है और उन्होंने भी हाँ कर दिया है और प्रोसेस जारी रहेगी कि वो भी हमारे साथ काम करेंगे। और आपकी फिल्म में बड़ी बड़ी कास्ट हम देख सकते हैं इसके अलावा? इसके अलावा वैसे तो मेरी पूरी ताकत चल रही है, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ गोविंदा जी बुलाने की। अच्छा, अब आगे ऊपर वाले के हाथ में, देखता हूँ, कोशिश तो मैं कर रहा हूँ। मैंने अभी मैसेज भी किया है, उनसे मीटिंग भी हो चुकी है मेरी गोविंदा जी से और अभी नेक्स्ट मीटिंग में देखते हैं क्या होता है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।